राजनीति के मंदिर यही है, सिंधासिनी देवी मंदिर। हाँ दोस्तों, अब हम चंद्रहासिनी से निकल गए हैं दोस्तों, चंद्रहानी मंदिर से। यहाँ से धनसीर 15.62 किलोमीटर दूर है और हम अब पहाड़ से उतर रहे हैं दोस्तों। चंद्रहासिनी मंदिर छोटा सा मंदिर है, जो यहाँ पुजारी हैं वो बता रहे थे वो उन्हीं के द्वारा स्थापित है, गांव वालों के द्वारा। सिंधी चुहा गांव से। और देखिए, इस पहाड़ से हम उतर रहे हैं, इसी के दूसरे साइड है गिरधपुरी आपका, इस पहाड़ के। अच्छा शानदार रोड बनाया गया है, सीसी रोड पत्थर के ऊपर, ये अच्छा किया गया है, एक नंबर काम। क्या हुआ, कोई फटाका फूटा ऐसा लगता मुझको। ओ शानदार रोड, बाहर से सीधा खड़ी उतरना, वो भी ब्रेकर है और ब्रेकर, एक और ब्रेकर। अरे ब्रेकर कैसा करे जी, स्पीड कम करो, मतलब क्या ढाल है, मजा आ गया देखते में तो, दिल खुश हो गया, मौसम भी शानदार हो गया। यहाँ एक अच्छा चीज किया गया है कि जगह जगह बोरिंग खोद के दिया गया है, पीरदा 5 किलोमीटर यहाँ से। बड़ा आश्चर्य, 35 किलोमीटर दिखा रहा है यार। एक पहाड़ से उतरे तू, इसी गांव के अंदर से, मतलब इस रोड से घुसने के लिए बोल रहे हैं। यह है गेड़ा पाली जाने का रास्ता। गेड़ा पाली जाने का रास्ता है दोस्तों, इतना सुहाना मौसम गया। एक तरफ पहाड़ है दोस्तों, इधर हमारे दाहिने साइड हमको पानी मिल गया था चंद्रहासिनी में मंदिर है, जो है ज़्यादा नहीं है, मतलब छोटा सा है, देखने के लायक है। बड़ी माई विराजमान है, आप भी देखने आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, भड़गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर होगा। यह है ग्राम गेड़ा पाली,
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ गेड़ा पाली। वी आई का भी 3G नहीं 2G हो गया नेटवर्क, पूरा नेटवर्क गायब भी हो गया, 4G फेल आ गया। करीब करीब 1 घंटा दूर ही है गेड़ा पाली। देखेंगे अपना टारगेट पूरा होता है कि नहीं, जहाँ तक हो सकेगा करते हैं। अरे यार वो रिकॉर्डिंग 4K में हो रहा था ना, इसलिए बैटरी ज़्यादा जा रहा था, वही मेरे समझ में नहीं आ रहा था इतना बैटरी क्यों लॉस हो रहा है। अरे यार गाँव के अंदर प्रवेश कर रहा था मुझको, गाँव के अंदर चलने में डर लगता है गेड़ा पाली। कहाँ का कहाँ निकाल देता है, मैं थोड़ा सा भूल गया नहीं कि गया गांव के अंदर घुसने में डर लगता है मुझको। गेड़ा पाली विकास खंड बिलाईगढ़ जिला सारंगा। गुड़वाना भवन गेंडा पाली। फिर से ई आ गया नेटवर्क, 4G हट गया। ठीक है दोस्तों, जिसमें कंफ्यूज हो रहे हैं वही रास्ता सही है। जियो का नेट पकड़े नेटवर्क है, दुकान पंचर दुकान पता नहीं सर, ध्यान नहीं थे मैं कहा होगा क्या ये तो देते एक ठन गाँव में का, ये हाँ आगे वाले में हो, आगे वाले में हो, वो गेंदली का है जो भी गांव थे मैं हवा हवा वो आगे वो हाँ 1 किलोमीटर लगभग पड़ी। ये है दोस्तों रास्ता जिसमें वो VI का नेटवर्क आ रहा था जा रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो गया था मैप समझने में। अब मैं जियो का नेटवर्क लगा दिया हूँ, मेरा अपना सेकंड मोबाइल कर दिया हूँ कनेक्ट, इसमें जियो का नेट है। और जियो का मेरे ख्याल से आजकल जंगल में बहुत अच्छा चल रहा है नेट। दर्रा से ही निकल रहे हैं पर ये दूसरे हिस्से से कच्ची रोड से, यहाँ से 27 मीटर तो दिखा रहा है जिस जगह हमको जाना है। दोपहर का टाइम सब दुकान बंद है पर कुछ समझ नहीं आते कौन खुला है कौन बंद है, मतलब कौन सा क्या दुकान है। इसलिए तो ग्राम दर्रा के आगे ग्राम क्या है पता नहीं, अंदर से जाना है। ये भी दर्रा ही है दोस्तों,